नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है उनका जवाब देने के लिए वे धर्मशाला पहुंचे हैं। पठानिया ने कहा कि भाजपा बोलती नहीं बल्कि करके दिखाती है। देश व प्रदेश में कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है और प्रदेश सरकार जिस तरह काम कर रही है वो स्पष्ट संकेत है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रदेश की चारों सीटों पर भारी अंतर के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यों से लगता है कि आगामी 15 से 20 साल तक भाजपा प्रदेश से हटने वाली नहीं है, जबकि देश के अन्य राज्यों से कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। पठानिया ने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं की है उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है। कृषि, बागवानी, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार काम कर रही है। हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जहां बिखराव की स्थिति बनी है वहीं भाजपा एकजुट है तथा सभी वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रदेश सरकार की सराहना की जा रही है। पठानिया ने कहा कि अभी सरकार को 5 माह का समय बीता है और 1 साल बाद हम प्रदेश की जनता को 1 साल की तुलना रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 5 महीने हो गए। आज 5 महीने से दो दिन हम ऊपर के समय में आज के बीच में आपके बीच में बात कर रहा हूँ। पिछले लगातार 15 दिन से कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लोग साथ में हैं नहीं और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, विकास के ऊपर जो है वो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं और हिमाचल के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आज मैं बड़ा स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि जिला कांगड़ा हमारा सबसे बड़ा प्रदेश का कांगड़ा जिला है और हिमाचल प्रदेश का सबसे पीसफुल जिला है और पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरी निरंतर इस सरकार का बना हुआ। गुड़िया कांड में क्या हुआ आपके सामने है, फॉल बैक क्या था आपके सामने है, मौके की एसपी बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार की, क्या कुछ नहीं हुआ, आज भी वो सारी एसआईटी की टीम अंदर है। एक ऐसा ही मुद्दा छोटा सा पालमपुर में हुआ, छोटा तो नहीं कहूंगा बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, पर 15 दिन के अंदर जो है क्रैकडाउन करके उस टीम ने पूरा का पूरा जो है उसको क्राइम को ब्रेक किया। एक बड़ा गलत इंसिडेंस जो है कसौली में हुआ, आज सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्टली उसके ऊपर कार्रवाई की है, एसपी सस्पेंड किया, डीएसपी सस्पेंड किया, 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड किए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सरकार जो है वचनबद्ध है और एक अच्छा गवर्नेंस जयराम सरकार दे रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बहुत बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज उज्ज्वल की नई योजनाएं, नई नई स्कीमें, 30 नई स्कीमें बजट में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। धूमल जी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, शांता जी आशीर्वाद दे रहे हैं, नड्डा जी साथ में है, पूरी हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर आज पूरे विकास के बारे में काम कर रही है। कांगड़ा का केसीसी बैंक का मुद्दा था, हमने विधानसभा में हाईलाइट किया, 22% का एनपी चला गया। पिछली सरकार की अगर पोल लगू खोल ले तो मेरे को लगता है कि सारा दिन बीत जाएगा। हमने ऐसे बहुत से मुद्दे उठाए और उन मुद्दों को हमने हल किया और उस मुद्दों के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। सर आपने एक बात कही कि मतलब पहले धर्मशाला पहुंचे पठानिया ने कहा कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ जुटना मुश्किल है, यही कारण है कि 50 लोगों की उपस्थिति में रैलियां की जा रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन 50 लोगों में 15 नेता होते हैं और 20 लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के असली चेहरे को प्रदेश की जनता पहचान चुकी है, इसी वजह से जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और अब जनता कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं। आज एक पहली बार आपको एक जो है फिजिकली नजर आ रहा है, भाजपा हमेशा एक साथ थी पर कांग्रेस के लोग जो है उस पर टिप्पणी किया करते थे, पर आज वो टिप्पणी करने के लायक रहे नहीं क्योंकि कई बार होता था कि राजनीतिक दलों में गुटबाजी नजर आती थी। अब हिमाचल प्रदेश में भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा और ना ही कभी नजर आएगा। अब जयराम जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी सरकार हिमाचल प्रदेश में कम से कम 2-3 टर्म्स काटने वाली है, ऐसा तय है और हिमाचल के लोगों ने ऐसा मन बना रखा। महंगाई पर लगातार कांग्रेस घेराव करती नजर आ रही है। महंगाई पर देखिए, आप अगर आप 5 साल का रेशो ले तो केवल 4 रुपए का फर्क पड़ा है पेट्रोल का, जहां तक इन्होंने पहुंचाया था उसके बाद 15 पैसे ऊपर जाता, 15 पैसे नीचे आता, 18 पैसे ऊपर जाता, 35 पैसे नीचे आता। ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई भी सरकार ज्यादा उसमें कर नहीं सकती, पर उस मुद्दे को मुद्दा बनाए। आपने लगातार 60 साल तक इस देश में राज किया, आपने किया क्या? आज ये इन्फ्लेशन, आज ये प्राइस राइज, ये सब इसके लिए जिम्मेवार जो है कांग्रेस है, तभी तो देश के लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत का फैसला किया है। आज 20 प्रदेशों में हमारी सरकार है और कांग्रेस रोज के रोज कम होती जा रही है, कर्नाटक उसका उदाहरण है।